हे गाइस, स्वागत है सबका मेरे चैनल द रैंडम गाय गेमिंग में। बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टाइटल और थंबनेल से कि इस गेम को इंस्टॉल करने वाला हूँ, MSTS, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर। आपके पीसी के अंदर ट्रेन की जो गेम्स है वो कैसे खेल पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने जिस पीसी के जो जी ड्राइव है वहाँ पर मैंने इस गेम के पूरे फाइल्स जो हैं सब कुछ यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा करके रखा है। तो आपको यही चीज़ों से इंस्टॉलेशन करनी होगी और यही गेम आप यहाँ पे प्ले कर पाएंगे। तो इसको ओपन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा और जो बाकी के 15 पार्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने को आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो है इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के लिए आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे, करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखेगी कि इस एप्लीकेशन के अंदर जो गेम आप इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर कितने कितने रूट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे रॉयल राजस्थान, दिल्ली कोलकाता का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट भी है, साथ ही यहाँ पे रेल इंडिया का जो दिल्ली का जो डिवीजन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वेदर रूट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पाँचों रूट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। आप यहाँ पे जो नॉर्मल जो डेमो ट्रेन है वो भी यहाँ पे रन कर पाएंगे, एक्सप्रेस और नॉर्मल ट्रेन के साथ साथ डेमो ट्रेन भी रन कर पाएंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको यहाँ पर ब्राउज पे जाना होगा। ब्राउज पे जाने के बाद आप जिस ड्राइव के अंदर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं उस ड्राइव को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने जैसे कि मैं देख सकते हैं यहाँ पर जी ड्राइव है, इसके अंदर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद पूरा जो मेरा, क्योंकि इस गेम को मैंने पहले भी इंस्टॉल करके रखा था तो इसको मैं अभी पहले डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है। डिलीटेशन जो है फाइल मैंने पूरी कंप्लीट डिलीट कर दी है। अब मैं जी ड्राइव पर जाके नया फोल्डर बनाऊँगा या फिर आप कोई भी ऑल ड्राइव पर जाके भी फोल्डर बना सकते हैं और जाके आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर देना होगा। और आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मिनिमम 7 से 10 मिनट लगेंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए। आपके पीसी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना जल्दी ये होता है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करने देते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद ये अपना क्लोज हो जाएगा और एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको जो ओपन रेल्स की एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो भी आपको दिखा रहा है उसको यहाँ पे नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल करने का, आपको यहाँ पे कुछ भी चेक अनचेक नहीं करना है। बस आपको डेस्कटॉप के जो आइकन है उसको यहाँ पे चेक करके आप यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे और ये इंस्टॉल भी हो जाएगा जल्दी से। और इंस्टॉल होने के बाद आप इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉन्च कर लेता हूँ उसको और आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन रेल्स की जो इंटरफेस है वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ओपन रेल्स की जो इंटरफेस ओपन हो जाएगी आपके सामने। उसके बाद आपको यहाँ पे गेम को इसके अंदर ऐड करना होगा। तो आपको उसको ऐड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी गेम नहीं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मतलब जो रूट्स वगैरह है वो शो नहीं हो रहा है। तो आपको उसको करना क्या होगा कि कैसे आप इंस्टॉल ऐड करेंगे, इसके लिए आपको ऑप्शन पर जाना होगा। ऑप्शन पर जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जनरल, ऑडियो, वीडियो, सिमुलेशन, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कॉन्टेंट पर जाना होगा। जैसे कि देख सकते हैं पहले मैंने इसको सेव करके रखा था क्योंकि ये पहले वाला सेटिंग्स ही मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से इसको ऐड करता हूँ क्योंकि मैंने दूसरे ड्राइव पे जो है गेम को इंस्टॉल किया है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एफ ड्राइव पे और एफ ड्राइव पे मैंने गेम को इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे MSTS की जो फाइल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ही आपके जो फाइल्स वगैरह है कुछ टाइम लेगा यहाँ पे लोड होने में और पूरी जो फाइलें गेम की जितने आपके रूट्स हैं जितने पहले बताए थे वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो जो रूट्स मैंने पहले बताए थे वो सब कुछ रूट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं गेम के कुछ कुछ सेटिंग्स जो ये प्री इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी जो जो चीज़ें वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शियालदा बीकानेर जो इसी दुरंतो एक्सप्रेस है उसको यहाँ पे रन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे रन होता है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और जो गेम है वो रन हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गेम है यहाँ पर रन हो चुका है और कोई भी ग्लिचेस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। पूरी नॉर्मल तरीके से आपको गेम यहाँ पर रन करके आपको दिखा रहा हूँ और इस तरह से आपके पीछे भी ये गेम इस तरह से रन होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह जो है आपको वो करना होगा। अगर आप चाहते हैं इसको फुल स्क्रीन में रन करना वो आपको ओपन रेल्स के ऑप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप फुल स्क्रीन में प्ले कर सकते हैं या फिर आप विंडोज वर्जन में भी प्ले कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको गेम प्ले आपको मिल जाएगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे
जो मैंने कैमरा चेंजेस किया है, यहाँ पे कैमरा एंगल भी चेंजेस कर पाएंगे और क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है। क्वालिटी आपको फुल HD में आपको मिलेगी, जो जो डिटेल वगैरह है सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा। आप ऊपर के साइड पे आप देख सकते हैं आपको किस मॉनिटरिंग की स्पीड कितनी है, आपको लिमिट कितना रखना है, आपके सामने के सिग्नल कितने कौन से हैं, ग्रीन है या येलो है या रेड है, वो भी आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे गेम प्ले आपको मिलेगा इस गेम के अंदर, और आप इस तरह से इसको इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हैं। कोई भी अब दूसरे एडवांस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो जो प्री इंस्टॉल्ड है उसके ज़रिए आप यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से जो जो कंटेंट वगैरह है अगर मैं इसको बनाता हूँ तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।